हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो। आप सभी लोगों को स्वागत है FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल के एक और एपिसोड पे। भाइयों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने एक आयुष्मान योजना बनाई, 5 लाख रुपए तक का सबको मुफ्त इलाज मिलेगा। अभी बिहार रैली में अमित शाह जी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों का उससे फायदा हो गया आयुष्मान योजना से। ऑलरेडी 1 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी उसमें मुफ्त में ऑपरेशन भी करा लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के 38 हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। 6 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 जगह काम किया है और कहते हैं काबिले तारीफ काम किया। मैंने भी पास्ट में उनकी तारीफ करी है, वो है प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे और सेकेंड हेल्थ केयर पे। ठीक है, अच्छा, फिर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की भी स्कीम है आयुष्मान योजना से बेटर, वो अपनी स्कीम को बताते हैं। और अब तक, मतलब फरवरी 2020 तक हम भी मानते थे बेटर स्कीम है, जिसमें 5 लाख की लिमिट नहीं होती है। अगर आपका अरविंद केजरीवाल जी के मैनेज्ड दिल्ली सरकार के 38 हॉस्पिटल्स में आप कहीं भी इलाज कराते हैं, इंक्लूडिंग सर्जरी, इंक्लूडिंग ऑपरेशन, और इलाज का खर्चा 5 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 30 लाख भी आता है, तो वो दिल्ली सरकार बेयर करती है, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो दिल्ली के वासियों के लिए ये स्कीम है ये आयुष्मान योजना से भी बेटर है। तो ये तो दिल्ली की स्कीम हो गई। ठीक है, अब आ जाता हूं जरा मेरे वकील भाइयों को भी दिल्ली सरकार के साथ मिलके बांट के अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करके वकीलों के लिए भी एक स्कीम आई कि कुछ 5 लाख रुपए तक का आ जाएगा, बेनिफिट मिलेगा वकीलों की फैमिली को। मुझे आज तक समझ में नहीं आया उसमें बेनिफिट क्या था, जब आम पब्लिक को 30 लाख रुपए तक का बेनिफिट है तो 5 लाख का बेनिफिट वकीलों को लेने की क्या जरूरत है। नॉर्मल दिल्ली की स्कीम में 30 लाख का बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा आप लोग 10-20-30-40-50 साल से आप लोग मेडिक्लेम, है ना, मैक्स मेडिक्लेम, फलाना मेडिक्लेम, धमाका मेडिक्लेम, दुनिया भर की इंश्योरेंस आप दे रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम भर रहे हैं। ठीक है, अब मैं उन सारी इंश्योरेंस कंपनी, भारत सरकार की आयुष्मान योजना वाली 5 लाख की डील, दिल्ली सरकार की 30 लाख वाली इंश्योरेंस की डील, मैं इन सबसे सवाल एक ही करना चाहता हूं कि यार ये बताओ, कोविड को टेस्ट कराने के लिए 4,500 रुपया तुम्हारी आयुष्मान योजना 5 लाख वाली डील, दिल्ली सरकार की 30 लाख वाली डील, या इंश्योरेंस और ये मेडिक्लेम वाली डीलों में क्यों नहीं आता है, मेरा पहला सवाल है। हाँ, नहीं कवर्ड है, नहीं कवर्ड है। 4,500 रुपये क्यों कोई दे, पहला सवाल। ठीक है, दूसरा इसी से कनेक्टेड, तालिबान देश को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस कोविड टेस्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 300 और 500 रुपए, आप 4,500 रुपए ले रहे हैं, यहां भी आपको नोट छापने हैं साहब। ठीक है, अब जो भी है, सरकार छापे, चाहे टेस्ट लेने वाला छापे, नोट तो वो छाप रहा है। जो चीज 300 रुपए और 500 रुपए में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में हो सकती है, और 4,500 में यहां क्यों हो रही है, मतलब यहां ही पे ये भारत, हम भारतीयों ही के यहां माथे पे लिखा है क्या, समझ गए ना क्या लिखा है। अच्छा, अब मुझे बताएं, चलो कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया, अब अस्पताल जाइए तो अस्पताल का रेट, अभी मैं रेट कार्ड लगा देता हूं, मैक्स अस्पताल का दूवराठी ने लेटेस्ट रेट कार्ड भेजा है, मैं तो जानता हूं क्योंकि मेरे और सोर्सेस हैं, लोग गए हैं, लोगों ने पता किया है, 1 लाख रुपए पर डे का आईसीयू रूम विद वेंटिलेटर का रेट चल रहा है, और लगभग 15 दिन का जो है वो मांगते हैं डिपॉजिट, माने 1 लाख तुरंत डिपॉजिट करिए और 15 दिन का अरेंजमेंट करिए, तो 15 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको आईसीयू विद वेंटिलेटर चाहिए, मतलब जान बचने की चांस अगर चाहिए, रिमोट चांस भी चाहिए, तो आपके जेब में 15 लाख होने चाहिए। और अभी ध्रुव राठी ने शेयर किया मैक्स का लेटेस्ट पूरा रेट चार्ट, तो वो मैं लगा दूंगा इस वीडियो में, आपको इधर या इधर कहीं दिख जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोविड हो गया आपको तो प्राइवेट अस्पताल में रेट है 15 लाख रुपया मिनिमम, इतना आपके पास तुरंत होना चाहिए लिक्विड कैश देने के लिए। ठीक है, अच्छा,
गवर्नमेंट अस्पताल, अरविंद केजरीवाल इतनी डिंगे मार रहे थे शुरू में, हमारे अस्पताल है, हमारे पास ये फैसिलिटी है, ये बेड है, वेंटिलेटर है, घबराइए नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपको भी पता है हाल में पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली सरकार ने हाथ उठा खड़े कर लिए हैं। इसी कारण से दिल्ली सरकार ने जो है सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए पहले ऑर्डर पास किया कि हम जो है सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स का इलाज होगा दिल्ली के सरकारी अस्पताल में। वो ऑफकोर्स गवर्नर ने ओवररूल कर दिया, राइटली सो, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज हैं, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। और आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के बाहर वालों को नहीं, इनफैक्ट नॉन सिटीजन एलियंस तक को कवर करता है, ठीक है। तो ये बात है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि 6 साल से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अस्पतालों की तैयारी कर रहे थे, उनके अस्पताल 2 महीने में फेल हो गए कोविड को लेकर के। ऐप निकालवाए थे अरविंद केजरीवाल साहब कि ऐप बता देगा कि इस अस्पताल में कितने बेड है, कितने बेड है, और शुरू के 2 दिन जो उन्होंने बोला भी कितने बेड है, इतने बेड है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी है कि ये कोई भी इनके 38 हॉस्पिटल्स जो हैं, अगर आपकी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई तो आप तो खास खास के अस्पताल के बाहर ही मर जाते हैं, ये लोग एडमिट नहीं करते, आपको लेते नहीं है। तो आदमी जाता है प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल ने भी रेट लगा रखी है, बस बड़े अस्पताल मैक्स टाइप अस्पताल 15 लाख रुपए जेब में है तो आपके लिए सीन ठीक है, अगर नहीं है तो 2 बेड। एम्बुलेंस भी नहीं भेजते, कहते हैं अगर हम भर्ती नहीं आपको करेंगे तो एम्बुलेंस भी नहीं देंगे, ये तो सच्चाई है। बीच में एक इन्होंने जुमला कर दिया, वो गंगाराम बदमाशी कर रहा था, है बदमाश अस्पताल, इन्होंने FIR कर दी, तो चलो सब सही है। और बाकी कुछ हो तो ये कह देते जी मोदी जी ने खोल दिया तो हमने भी खोल दिया, सब मोदी जी पे डाल देते हैं। 6 साल से मोदी जी को गाली दे रहे थे, अब जो है सडनली अब जब इन पे गाली आती है तो कहते जी मोदी जी ने लॉकडाउन खोल दिया तो हम क्या करें, हम तो बस पालन कर रहे हैं जी। तो मैं जानना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार से, मैं जानना चाहता हूं हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, और अबव ऑल ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज से, और आप लोगों से, खास करके आप लोगों से, आप भारतीयों से, आप इंडियन से। मुझे पहले ये बताइए कि आप में से, मुझे पक्का यकीन है कि आप में से 90% वो लोग हैं जिनके जेब में अगर कल कोविड की क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो दिल्ली अस्पताल भर्ती ना करे तो मैक्स के लिए आपके पास 15 लाख रुपए नहीं होंगे देने के लिए, तो आप मर जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताइए 15 लाख है कि नहीं है जेब में, क्योंकि आप लोगों ने 2014 में मोदी जी को जिता दिया कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, मोदी जी ने तो आज तक दिए नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, तो 135 करोड़ की जनता में 90% हो गए तो आप समझ सकते हैं कितने लोग हो गए, मतलब करीब जो है आसानी से 100 करोड़ लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये मैक्स के 15 लाख। तो मेरा अब आपसे सवाल है, जो आपकी 5, 10, 20 हजार, 50 हजार, 40 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीने की जो भी सड़ी हुई नौकरी है, उसको इतनी जल्दी से जोर से, इतनी गर्ली, इतने पैशनेटली जाके करने क्या जा रहे हो? अगर 20 दिन में कोविड से मर गए तो कौन संभालेगा तुम्हारे आने वाले दिनों में, तुम्हारे जो एयर्स होंगे, तुम्हारी जो फैमिली होगी, उनको आने वाले 30-50 साल कौन संभालेगा, ये बताओ जरा। हाँ, जेब में तुम्हारे 15 लाख है नहीं, इंश्योरेंस कंपनी जिनको तुम प्रीमियम जिंदगी भर देते हुए थे वो आज तुम्हारा कुछ नहीं कर रही है, सच्चाई ये है। प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना स्कीम 5 लाख वाली ठट्ठन गोपाल है। टेस्ट, कोविड का टेस्ट तो 4,500 रुपए लेके करते हैं, कौन आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान स्कीम क्या इनके अस्पतालों में होगा? ये तो कह देते हैं बेड ही नहीं है जी। तो आप क्रिटिकली कोविड पॉजिटिव हो गए और क्रिटिकल हो गए, सांस लेने में परेशानी हुई तो क्या वेंटिलेटर ICU मिलेगा इनकी आयुष्मान स्कीम में आपको और सभी भारतीयों को, 135 करोड़ भारतीयों को? और उसमें इतनी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, कभी पढ़ी है आपने? इतनी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगाई है जितने BSc और NSC के जो फॉर्म होते हैं ना 30 पेज के, उनमें नहीं होती जितनी इन्होंने लगा रखी है। अरविंद केजरीवाल का मैंने बताई दिया, ठंडन गोपाल है, 38 हॉस्पिटल्स हैं, कुछ नहीं, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। हाँ, सब फोन उठा के बस कह देते हैं कि नहीं है बेड अवेलेबल। फाइनली मैक्स की बात आती है, मैक्स में शायद जान बच जाए लेकिन 15 लाख दीजिए, 15 लाख नहीं है तो जाओ भाड़ में मर जाओ। और भारत की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, अब तो अस्पताल छोड़िए, शमशान घाट के आगे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। यहां जीते समय तो आदमी की डिग्निटी वैसे ही नहीं है, जब मर रहा होता है तब भी डिग्निटी नहीं है, मर जाता है, जब मर भी जाता है तो डेड बॉडी भी इधर से उधर घूम रही है। आजकल दिख रहा है कोई डेड बॉडी कचड़े के डब्बे में घूम रही है, तो कोई डेड बॉडी कहीं घूम रही है,
हाँ, शमशान घाट तक में जगह नहीं मिल रही है डेड बॉडी को। तो मुझे ये बताइए, ये है स्थिति, ये है रियलिटी भारत की अभी कोविड को लेकर के। यस, हम परेशान हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि फरवरी से पहले जब कोविड भारत में इतनी बुरी तरीके से नहीं फैला था और भारतीय जनता पार्टी बिजी थी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और नई सरकार बनाने में और नमस्ते ट्रंप करने में मोटेरा में गुजरात में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं तब क्या, तब आपको कोई किसी इल्यूजन में आप रह रहे थे कि आयुष्मान स्कीम बड़ी अच्छी है प्रधानमंत्री की और ये अरविंद केजरीवाल का बड़ा अच्छा 30 लाख वाला स्कीम है और सब अच्छा है और जो मैं प्रीमियम देता हूं इंश्योरेंस कंपनी मेडिक्लेम वगैरह का सब बढ़िया है? क्योंकि आज कहां है वो मेडिकल, मैं तो एक एडवर्टाइजमेंट नहीं देखता हूं आज की तारीख में कि ये मैक्स हेल्थ केयर वाले और फलाना इंश्योरेंस कंपनी जो है आज हेल्थ की कोई स्कीम बेच रही हो। ये सब गायब हो गए। जब तक कोविड नहीं था तो सब डेली फोन आते थे कि स्कीम ले लो, ये ले लो, हेल्थ ले लो, वो ले लो, वो ले लो। आप समझ रहे हैं कितना खोखला है ये देश। और इस देश के सिर्फ नेतागढ़ खोखले नहीं है, ये नेता तो है ही, ये सब चोर चक्के बेशरम बेईमान लोग जो सिर्फ खून चूसते हैं हम भारतीयों का। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी देख लीजिए, सब फ्रॉड है। अस्पतालों को देख लीजिए, कसाई भरे हुए हैं सब। ये है हिंदुस्तान की, भारत की स्थिति 73 साल आजादी के बाद। अरे शमशान में जगह नहीं मिल रही है यार आपको। देयर इज नो डिग्निटी इवन इन डेथ एनी मोर इन दिस कंट्री। वाइल यू आर अलाइव तो छोड़िए, जब तक जिंदा है वैसे ही नहीं आपकी लाइफ में डिग्निटी है। मर के भी जो है अभी बॉडी घूम रही है कचड़े दान के डब्बे में, आपको डिग्निटी नहीं मिल रही है। वेरी वेरी सैड, शेमलेस शेमलेस। हाथ थू है भारत के सभी नेताओं और पॉलिटिकल क्लास के लिए जो 73 साल तक भारत की ये स्थिति रखे हुए है। हाथ थू है भारत की ब्यूरोक्रेसी पे, बाबुओं पे, जिन्होंने ऐसे होने दिया है अपने जी हुजूरी में। हु हैड देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू नेवर स्टैंड अप टू अ नेता एंड टेल हिम कि सर कर क्या रहे हो, झक मार रहे हो क्या, ऐसे चलेगा क्या देश। एंड फाइनली हाथ थू है आप भारतीयों पे, और जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो 3 फिंगर्स मेरे पे भी आ रही हैं, हम भारतीयों पे, 135 करोड़ भारतीयों पे, जिनका सर के ऊपर पानी कभी बहता ही नहीं है। हम हर स्थिति से फिर भी जो है निकल जाते हैं ढीठ की तरह, और जब तक जी रहे होते हैं बस चल रहा होता है, कट रही होती है जिंदगी और चलते रह रहा होता है। मेरे से शर्त लगा लो, भाजपा भले ही बिहार हार जाए, एक दो इलेक्शन स्टेट के हार जाए, 2024 जब तक आएगा आप लोग ये सब भूल जाएंगे, फिर मोदी मोदी करेंगे, बीच में इंडिया पाकिस्तान करेंगे, आर्मी आर्मी करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, कुछ दंगे करेंगे, और 2024 में भारी बहुमत से मोदी सरकार को फिर आप लोग जितवाएंगे, देख लीजिएगा। हाथ थू, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत। लेकिन जाने से पहले इतना बस कहूंगा, कितनी भी निराशावादी सिचुएशन ये क्यों ना दिखे, मैं इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूं, आशावादी इंसान हूं। लड़ाई हमारी, जंग हमारी जारी रहेगी। अब डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल करेक्टनेस को भी हमने फेंक दिया है, साइड में कर दिया है। विदाउट डिप्लोमेसी, विदाउट पॉलिटिकल करेक्टनेस, ठीक है, ब्रूटल ऑनेस्टी से कॉलिंग अ स्पेड, हमारी जारी जंग हमारी जारी रहेगी, भारतीय हुकूमत के खिलाफ, भारतीय सरकार के खिलाफ, नेतागढ़ों के खिलाफ, राज्य सरकारों के खिलाफ, उन सभी के खिलाफ जो देश में बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश का बेड़ा गर्क जिन्होंने कर रखा है, बस अब तक पकड़े नहीं गए हैं ये करते हुए। कर तो रहे हैं क्योंकि पैसा कहीं तो जा ही रहा है, और अगर ये सब नहीं भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर शियर इनकॉम्पिटेंस भारत सफर कर रहा है, भारतीय लोग सफर कर रहे हैं। सो आइदर विच वे फॉर एनी ऑफ दीज रीजंस, हमारी जंग इनके खिलाफ जारी रहेगी। और एंड अब पॉलिटिकल करेक्टनेस और डिप्लोमेसी नहीं रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट टॉकिंग रहेगी। पीसफुल रहेंगे हम क्योंकि हम गांधी जी के भक्त हैं, पीस के राह पे चलते रहेंगे। नॉन वायलेंट हमारी जंग रहेगी, नॉन वायलेंट हमारी लड़ाई रहेगी, लेकिन इस लड़ाई को हम ले जाएंगे जब तक इसमें जीतना हो जाए।
जय हिंद और जय भारत। नमस्कार भाइयों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी। FFAR इंडिया का सेकंड यूट्यूब चैनल FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन को आज ही सब्सक्राइब करें। मात्र 199 रुपये प्रति महीने में पाइए हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। साथ ही साथ पाइए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्रॉम दी बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन दी इंडस्ट्री। समय नष्ट ना करें, आज ही सब्सक्राइब करें 199 रुपये प्रति महीने पेटीएम करें 9599349269 पे, और मंथली सब्सक्रिप्शन आज ही प्राप्त करें मात्र 199 रुपये में। समय नष्ट ना करें, पेटीएम करें। जय हिंद, जय भारत।